तो दोस्तों, मैं हूँ रीता और आप देख रहे हैं जिम्मी ब्लॉग 05। आप लोग तो जान ही रहे हैं कि जिम्मी को अभी हाल फिलहाल 1 महीना पहले वो पानी में से गंदा गंदा पानी में से घूम के आ गया था, तो उसके पूरे बॉडी में डैंड्रफ हो गया था बहुत ज़्यादा। तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने गए तो ये लिखा है डॉक्टर, केटकोपैट शैम्पू का नाम है, कोटकोन्ना जल इसमें मिलाया हुआ है, जो कोटकोन्ना जल शैम्पू मतलब इचिंग में काम आता है, नोचनी में काम आता है। इसका कीमत 295 रुपया MRP है और शैम्पू कुछ इस तरह से है। पहले भी रंग बिरंग का शैम्पू आया है जिम्मी के लिए, इस बार थोड़ा अलग था तो हम सोचे आप लोग के साथ शेयर करें इस शैम्पू को। आप देख सकते हैं और जिम्मी को इसे नहलाया जाएगा। वैसे मेरे डॉग को इस तरह की ज़रूरत जल्दी पड़ता नहीं है, उसको जनरली जो शैम्पू आता है उसे नहलाया जाता है। लेकिन इस अभी क्या हुआ है ना कि जिम्मी जब भी खुलता है हाथ से तो वो भागता है, यहाँ से भागता है ना, तो जैसे जैसे किसी के नाले से पानी गिरा, वो कहीं गड्ढा में जमा है उसमें जिम्मी घुस गया, अगर भींग गया तो फिर आने के बाद 1 महीना बाद उसका ना स्किन से डैंड्रफ टाइप रुआ रुआ उड़ने लगता है, तो और बाल भी उड़ने लगता है। तो जिम्मी के लिए इस तरह से आता है। तो आप देख सकते हैं ये लोशन है जिम्मी के लिए, जो लोशन उसको लगाया जाएगा इसे नहला के, या फिर लोशन लगाया जाएगा जिम्मी को। तो हम दो इसका डिटेल डाल देंगे अब यूट्यूब पर, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जिम्मी का नहलाने का पूरा मस्ती का वीडियो है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देख के जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो पसंद आएगा तो जाते जाते लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो कॉमेंट करके जाइएगा। आप इसका मुँह देखिए, मुँह दिख रहा है कि नहाने का मूड में नहीं है। चलो नाय नाय कर लो, चलो गर्मी बहुत है, चलो अब मेरे पास चलो, हम बचा देंगे, आओ हम बचा देंगे, अब अब बाबू 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 देखिए पकड़ा, जल्दी पकड़े, अब कैसे ले जाइएगा भाई, हम सूत गए। इस तरह से पूरा बाल उड़ रहा है, देखिए आपको दिख रहा होगा कहीं कहीं, ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये सब बाल उड़ रहा है और पूरा रुसी हो गया है। और इसका वजह हमें पता चल गया कि उड़ने का वजह क्या है, जिम्मी जब भी भागता है कोई नाला उला में घुस जाता है और घुसने के बाद पकड़ाता है, फिर हम इसको शैम्पू वम्पू से नहला देते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसका बाल उड़ ही जाता है लगभग 1 महीने बाद। तो वही चीज़ जिम्मी के साथ अभी हुआ है। ये उसका शैम्पू शैम्पू आया है अभी, आज जिम्मी के पापा उसको उसको मग में डाल रहे हैं इस तरह से, इतना किनारे हो रहा है, धूप के कारण ये किनारे हो रहा है, शैम्पू शैम्पू से नहाना चाहिए, शैम्पू 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 से नहाना चाहिए, शैम्पू 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 से नहाना चाहिए, जरा जरा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए बजाना चाहिए, शैम्पू 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 से पूरे ठंडा में भागल जा रहा है, धीरे धीरे पूरा घर पहुंचवाएगा का जिम्मी, भाग गया घर में। तो आप लोग क्या देखिएगा, तो आप लोग रहिए तब शेर हो गया, रुको हटो हटो तो हटो हटो हटो, आओ इधर इधर, पूछो जल्दी पूछो, देख पूछो
देखो छोना देखो तो नहाने के बाद कितना स्मार्ट लग रहा है तू, लग रहा है ना सुंदर, गुड बॉय। हाँ ज्यादा नहीं घुसना, जान तो क्या होता है, हाँ करता भी है। तो चिकन चावल बन गया है, जिम्मी बाबू खा रहे हैं प्यार से चिकन और चावल दोनों डाल के कुकर में, और एक जगह सीटी लगा दिए थे जल्दी जल्दी। और जिम्मी भी समझ रहा था कि हमारे लिए कुछ बन रहा है बहुत दिन बाद स्पेशल, तो जिम्मी खा रहा है। चलिए अब हम निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं फिर आप लोग से नाइट में। जिम्मी दिन में नहाया शैम्पू से और रात में आया है एक बर्थडे पार्टी में, आप जिम्मी को देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद हमने रात में बर्थडे पार्टी इन्जॉय किया जिम्मी के साथ, केक खाया। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।